दिल्ली के डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे हिमाचल के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक मेंबर राज्यसभा, हिमाचल प्रदेश के प्रधान आम आदमी पार्टी के सुजीत ठाकुर जी और मंच संचालन कर रहे हैं आस्था जी, और मेरे सामने बैठे आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, अलग अलग पदों पर संगठन में काम करने वाले, हिमाचल को बहुत ज्यादा विकास करते हुए देखने की इच्छा लेकर आए सभी बुजुर्ग, नौजवान, माएं बहनें, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है कि हम शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते जी, कि जी हमारे यहां बसों में लाकर, जीपों में लाकर आदमियों को सामने बिठाकर उसके बाद अपने नारे लगवाएं और रट्टे रटाए नारे लगवाएं और उनको जितने में उनसे बात हुई है उतनी दिहाड़ी देकर उनको फिर घर छोड़ आए। हम आके बातचीत करते हैं लोगों से, आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहां समस्या है उसका हल भी वही है। समस्या अगर देहात में है उसका हल एसी कमरे में नहीं हो सकता, वो देहात वाले ही बताएंगे कि हल क्या है इसका। दिल्ली में बजट मोहल्ला सभाएं करके लोगों से पूछकर बजट बनाया जाता है और कामयाब है। इस बार हमने भी पहला बजट पंजाब का पेश किया, लोगों को पूछा गया, इसलिए लोगों को वो अपना बजट लगता है, वो किसी व्यापारियों को जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पास बिठाकर नहीं बनाया जाता हमारा बजट पार्टी का और स्टेट का। तो आज आपके साथ एक रूबरू प्रोग्राम है, जितना भी मीडिया यहां पहुंचा है मैं उनका भी बहुत आभारी हूं, पूरी दुनिया में उन्होंने इसकी कवरेज करनी है। मैं दो तीन बातें बोलूंगा बस। पहली बात तो ये कि हिमाचल और पंजाब की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।